फ्रेंड, मैं हूं वकास और आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आज जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, उन पाकिस्तानी लोगों के लिए जो यूएई में हैं और जो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि जो पासपोर्ट रिन्यूअल की फीस में 50% जो है वो कमी कर दी गई है। और इस चीज़ को पाकिस्तानी कंसल्टेंट जनरल ने भी कन्फर्म किया है कि जो लोग रिन्यूअल कराना चाहते हैं पासपोर्ट, वो जो यूएई के अंदर हैं, तो उनको 50% जो है वो जो फीस में कमी ऑलरेडी कर दी गई है। तो जो पासपोर्ट पहले 36 पेज का 5 ईयर के लिए बनाते थे, उसकी फीस 150 थी, जो अब कम करके 85 कर दी गई है। इसी तरह जो 100 पेज का जो पासपोर्ट था, उसकी जो 5 साल के लिए उसकी फीस थी 540, जो कम करके 250 कर दी गई है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं पासपोर्ट 10 साल के पासपोर्ट को रिन्यूअल करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक सजेशन यही है कि वो फिलहाल जो है अपना पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यूअल ना करवाएं, बल्कि 5 साल के लिए ही उसको रिन्यूअल करवाएं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑलरेडी ई पासपोर्ट का जो है वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि ई पासपोर्ट जो है वो एक कार्ड सिस्टम जिसके अंदर चिप लगी होगी और वो कैरी करना भी बहुत आसान रहेगा। तो इसलिए आप लोग 10 साल की बजाय 5 साल का कर दें, और ये जो प्रोग्रेस जो चल रही है ई पासपोर्ट की, वो विद इन 2 ईयर के अंदर वो जो है वो उसको लॉन्च कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।